the new video. This is Adarsh. Today we're talking about the college of Sharda University. So without wasting your time, let's get started. Here, आपको मेरे exact सामने दिख रही है engineering college review की playlist. यार मेरे channel पे पड़ी हुई है यार, इसमें 7 colleges already cover हो चुके हैं. ये playlist आपके लिए बहुत important होने वाली है, because मैंने सारे colleges की बहुत ही genuine review दिए हुए हैं. तो आपने अभी तक इसको access नहीं किया है, जाके access करो यार. हम चलते हैं इनके official website पे. But उससे पहले एक इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं. आप आते हो चैनल पे, ऐसे ही चले जाते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो. मैं देखता हूँ 96% लोग होते हैं यार जो चैनल पे आके चले जाते हैं, वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं. तो ऐसा मत करो यार. यहाँ पे रेड बटन दिख रहा है, कोई पैसे मैं नहीं ले रहा हूँ इस चीज के करने के लिए. तो आप इस रेड बटन को यार दबा के ग्रे कर दो यार. उसके जस्ट बगल में आपको बटन दिखेगा एक बेल आइकन का, उसको दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर दो यार, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे. हम चलते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे और बात करेंगे कॉलेज की ट्यूशन फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, और आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एडमिशन का क्राइटेरिया आपको क्या फॉलो करना होगा. और हम बात करेंगे यार कि कॉलेज में अगर आपको स्कॉलरशिप तो दी जाती है, वो यार कैसी स्कॉलरशिप आपको मिलती है. और हम बात करेंगे कि प्लेसमेंट अगर आपको उस कॉलेज में चाहिए तो हाईएस्ट पैकेज क्या है, उसका एवरेज पैकेज क्या है, सारी चीजों के बारे में अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे होंगे. तो हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इन सारी चीजों को अच्छे से कवर करते हैं. तो यार हम आ गए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो दिखती है यार कुछ ऐसी. और हम सीधा चलेंगे यार एडमिशन का क्राइटेरिया देख लेते हैं. बाकी जो इन्होंने दिखा रखा है प्लेसमेंट वगैरह बहुत हाई फाई है, अच्छा खासा है, तो उन सारी चीजों के यार बाद में हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे. सबसे पहले हम एडमिशन का क्राइटेरिया देख लेते हैं. तो इन्होंने यार यहाँ पे दिखा रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको खोल लेते हैं यार. सारे कॉलेज का सेम ही होता है, बट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा. ओके, तो यार इन्होंने दिखा रखा है कि 10+2 आपके पास होना चाहिए और 70% मार्क्स आपके मिनिमम आने चाहिए. ओके, उसके बाद इन्होंने दिखा रखा है कि 60% मार्क्स आपके पीसीएम में भी आने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है. उसके बाद इन्होंने दिखा रखा है यार कि आपका 10th और 12th के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए. ओके, 10th और 12th के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा. ओके, उसके बाद इन्होंने दिखा रखा है कि 50% मार्क्स आपके मैथ में भी आने चाहिए. आपके 50% मार्क्स मैथ में आने चाहिए, जो यार सबके आ जाते हैं यूजुअली. ओके, उसके बाद इन्होंने दिखा रखा है यार कि इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक एग्जाम देना पड़ता है, SUAT, जो यार इनका कॉलेज का ही एग्जाम है. उसमें भी आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, जिसके जरिए आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है. ओके, उसके बाद इन्होंने दिखा रखा है कि ये JEE से भी लेते हैं, जो इनका और ऑप्शन है. तो उसमें भी यार आपकी आप 2-3 लाख रैंक के अंदर आई हुई है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, जो यार विजुअली सबकी आ जाती है. बहुत ज्यादा सिंपल हो है यार, 3 लाख बहुत ज्यादा होता है, उतनी रैंक आपकी आ जाती है. ओके, उसके बाद यार अब हम चलते हैं इनके सेकंड पेज पे और हम बात करेंगे यार कि कॉलेज की जो यार ट्यूशन फीस है वो कैसी है. ओके, क्योंकि हमने एडमिशन के क्राइटेरिया की बात तो कर ली है, अब चलते हैं इनका यार ट्यूशन फीस वगैरह भी यार देख लेते हैं यार, क्योंकि वो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो यार सीधे हम चलते हैं, यहाँ पे आ गए हैं. इनका दूसरा पेज है यार, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का ही पेज है. आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शारदा यूनिवर्सिटी. उसके बाद इन्होंने यार दिखा रखा है कि प्रोग्राम फीस वगैरह इनकी कुछ ऐसी है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार, हम बात कर रहे हैं CS के बारे में यार, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. इन्होंने यार दिखा रखा है ईयरली वाइज, सेमेस्टर वाइज, दोनों वाइज देख सकते हो. तो यहाँ पे यार दिखा रखा है 1,74,070 रुपीज आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है. यार थोड़ी सी बढ़ जाती है सेकेंड ईयर में. इन्होंने दिखा रखा है कि 1,79,292 रुपीज आपको सेकेंड ईयर में पे करने होते हैं. ओके, आपकी थर्ड ईयर में भी ये बढ़ जाती है, फोर्थ ईयर में और बढ़ जाती है. तो टोटल आपकी यहाँ पे फीस दिखाई हुई है यार, जो अच्छी खासी बढ़ जाती है. ओके, उसके बाद यार अब हम बात कर लेते हैं यार, अब बात कर लेते हैं यार स्कॉलरशिप्स के बारे में थोड़ा सा, कि स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पे कैसे मिल रही होती है और कैसी स्कॉलरशिप ये हमको प्रोवाइड करवाते हैं. ओके, तो स्कॉलरशिप का पेज खोल लेते हैं यार. इन्होंने यार दिखा रखा है ये भी यहाँ पे. तो यार आप देखो यहाँ पे तो बहुत सारे अलग अलग स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिलती हैं. तो यार स्कॉलरशिप देखने के लिए यार हम इनका वही वाला पेज खोल लेते हैं. इन्होंने स्कॉलरशिप्स के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि यार स्कॉलरशिप इन्होंने दिखा रखी है कि आपके 10+2 में अगर 95% से अबव आए हैं या 95% भी आए हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाती है. बट यार आप याद रखिएगा कि जो 100% स्कॉलरशिप होती है वो यार सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस पे ही अप्लाई हो रही होती है. आपको जो हॉस्टल चार्जेस हैं और जो आपके मेस चार्ज हैं, जो लॉन्ड्री वगैरह जो भी चार्जेस होते हैं, वो सारे आपको स्पेंड यहाँ पे देना पड़ेगा. ओके, उसके बाद जो आपको यहाँ पे ट्यूशन फीस है वो आपकी पूरी की पूरी फ्री हो जाती है, जो यार एक अच्छी चीज है कि आप 95% अगर लाए हो 12th में तो आपको यार बिल्कुल भी पैसे यहाँ पे नहीं देने, ट्यूशन फीस नहीं देनी आपकी. आप आराम से यहाँ पे BTech आपको फ्री में मिलने वाला है. अगर आप बाहर रहते हो तो बाहर के एक्सपेंसेस आपके लगने वाले हैं, और कोई एक्सपेंस आपको यहाँ पे नहीं देना है. आपका पूरा BTech यहाँ पे फ्री होने वाला है. और यार दिखा रखा है कि 90 से 94% के बीच में अगर आप आए हैं तो 60% स्कॉलरशिप मिलती है,
86 से 89% के बीच में आए हुए हैं तो 40% स्कॉलरशिप मिलती है, 82 से 85 के बीच में आए हुए हैं तो 20%, 78 से 81 के बीच में आए हुए हैं तो 10% स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल जाती है। ओके, उसके बाद यार दिखा रखा है कि जेई रैंक में भी आपको अगर 25,000 प्लस अगर आप आए हुए हैं तो आपको यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। बट यार आप एक बार सोचो यार कि यार जिसकी 25,000 प्लस रैंक आई हुई होगी तो यार ऐसे कॉलेज में क्यों आएगा भाई, यार उसके पास कॉमन सेंस भी तो होगा ना भाई। तो यार सोचने वाली बात यार, इन्होंने ऐसे दिखा रखा है। बट यार एक अच्छी चीज है, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो 25,000 प्लस रैंक लेके इस कॉलेज में। ओके, वैसे कॉलेज अच्छा है यार, मैं कॉलेज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट यार रियल फैक्ट बता रहा हूँ कि यार जिसके इतने अच्छे नंबर आएंगे वो इस कॉलेज में क्यों जाएगा, वो इस कॉलेज में जाना प्रेफर नहीं करेगा मेरे अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद इन्होंने यार दिखा रखा है सारी चीजें अलग अलग, तो मैं वीडियो आप पॉज कर लेना और सारी चीजों को आप देख लेना। ओके, अब यार हम चलते हैं यार इनके हॉस्टल के बारे में भी बात कर लेते हैं यार कि कैसा हॉस्टल यहाँ पे बना हुआ है। तो हॉस्टल के बारे में बात करने के लिए यार उसी पेज पे यार चलते हैं फिर से जिस पेज पे पहले थे, और हॉस्टल फी इन्होंने दिखा रखी है। तो हॉस्टल फी यार पे कुछ ऐसी है कि गर्ल्स और बॉयज का हॉस्टल अलग है जैसा हर जगह होता है। ओके, तो यार बॉयज हॉस्टल की यार बात कर लेते हैं। विवेकानंद हॉस्टल में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एसी का और नॉन एसी का। एसी में यार आपको मिल जाता है ऑप्शन 3 सीटर रूम का विदाउट अटैच्ड वॉशरूम आपको मिलता है यहाँ पे, जिसका चार्ज यार इन्होंने दिखाया हुआ है 1,57,000। ओके, उसके बाद नॉन एसी रूम में यार भी सेम है, 3 सीटर रूम ही है जिसमें आपका वॉशरूम जो है अटैच नहीं है, और इसका जो चार्ज यार 1,05,000 है। तो दोनों के बीच में यार काफी ज्यादा डिफरेंस है। ओके, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं यार कि यार ये जो चार्ज आपको दिखाया हुआ है वो यार हॉस्टल के जो मेस होते हैं और लॉन्ड्री सर्विस होती है सारी सर्विसेज को एड ऑन करके पूरा टोटल चार्ज इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है हॉस्टल का। ओके, तो आप परेशान मत होइएगा, हर चीज को इंक्लूड करके इन्होंने ये चार्ज यहाँ पे हमसे ले रहे हैं। ओके, अगर वर्धमान हॉस्टल की यार यहाँ पे बात करें तो यार दो ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिलते हैं, 2 सीटर रूम और 2 सीटर नॉन एसी रूम और एसी रूम। और 2 सीटर रूम यार की बात करें तो यार 1,74,000 और 2 सीटर नॉन एसी की बात करें तो 1,15,000। ओके, तो यार दोनों के बीच में आप देखो तो अच्छा खासा डिफरेंस है। ओके, तो यार नॉन एसी रूम में भी आप रह सकते हो, कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर आप मौज करने गए हो तो भाई एसी वाले रूम में रहो, आराम से मजे करो, सो रूम में आराम से बैठ के खाना वाना अच्छा मिलता ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से मजे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल की यार बात करें तो यार गर्ल्स हॉस्टल में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो आपकी कोई बहन है या रिलेटिव में भी कोई आपकी सिस्टर है या कोई भी है तो उसको आप यहाँ पे प्रिफर कर सकते हो जाने के लिए हॉस्टल के। यहाँ पे जो आपको जो दे रहे हैं यहाँ पे फैसिलिटीज वो ज्यादा दे रहे हैं, ऑप्शंस भी ज्यादा दे रहे हैं, तो आप उनको यार यहाँ पे भेज सकते हो, ये ऑप्शंस यहाँ पे उनके लिए अच्छे हैं। ओके, उसके बाद एयर कंडीशन रूम क्या इनकी बात करें यार तो 3 सीटर रूम 1,57,000 ऐसे करके ये लेते हैं। आप ये सारों को यार आराम से पॉज करो, आराम से पढ़ो तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद यार हॉस्टल की या सिक्योरिटी फीस की बात करें तो रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस यहाँ पे जमा होती है 10,000 नॉन एसी रूम के लिए, 20,000 फॉर एसी रूम के लिए। ओके, उसके बाद यार इन्होंने दिखा रखा है कि यार देखो मैंने आपको बताया था कि जो यार यहाँ पे अमाउंट है वो उसमें इंक्लूड है मेस चार्ज। ओके, उसके बाद यहाँ पे यार आपका जो लॉन्ड्री सर्विस है वो भी इंक्लूड है इसमें यार, 20 वॉशेस आपको मिलते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद यार यहाँ पे अगर बात करें तो यार पर पर्सन यहाँ पे पूरे साल की फीस यहाँ पे आपको देनी पड़ती है हॉस्टल की। आपको यहाँ पे हॉस्टल के लिए सेमेस्टर का कोई चांस नहीं मिलता है कि आप सेमेस्टर वाइज फीस जमा कर सकते हो, यहाँ पे आपको हॉस्टल की पूरे ईयर की फीस आपको यहाँ पे करनी होती है। ओके, उसके बाद अगर बात करो यार 1 अगस्त से 31 मई तक आपको यहाँ पे इतने टाइम के पीरियड के लिए आप यहाँ पे इतने पैसे पे कर रहे हो। ओके, उसके बाद सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर दिखा रखी है क्या क्या इनके यहाँ पे है, सारा मैंने आपको बता दिया है। ओके, उसके बाद अब हम चलते हैं प्लेसमेंट की तरफ। यार प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉलेज के लिए, आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो प्लेसमेंट अगर अच्छा होगा तभी आप उस कॉलेज में जाओगे, वगैरह नहीं जाओगे। बिकॉज यार आपको बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, IITs में, IIITs में, NITs में, तभी आप इस कॉलेज में आए हो। और बिट्स लानी भी है यार, और आपका थापर भी है, VIT भी है, और बहुत सारे कॉलेज हैं यार उनमें आपको एडमिशन नहीं मिला होगा तभी आप इस कॉलेज में आ रहे हो, फिर भी आपको देखना बनता है यार कि यार इसमें प्लेसमेंट कैसा हो रहा है। तो प्लेसमेंट के लिए यार प्लेसमेंट का ये पेज खोल लेते हैं ओवरव्यू वाला, इसमें यार इन्होंने यार सब कुछ दिखा रखा है। तो इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार, इन्होंने यार दिखा रखा है 350 प्लस इनके यहाँ कंपनीज आ चुकी हैं। ओके, ये सारी कंपनीज यार सबके लिए आती हैं, कोई CS या BTech के लिए ही नहीं आती हैं, इनके यहाँ बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं तो सबको इंक्लूड करके इन्होंने यार इनके यहाँ पे इतनी कंपनीज आती हैं। 30 प्लस फॉर्च्यून 500 कंपनीज आती हैं, 65 लाख का इनके यहाँ हाइस्ट पैकेज गया है।
यार मुझे बिलीव नहीं हुआ था यार कितना हाईएस्ट पैकेज गया होगा, बट इन्होंने यार अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा रखा है, आई डोंट नो ये रियल है या नहीं है, बट इन्होंने जैसा दिखा रखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेना यार कि इनके यहाँ पे इतना पैकेज गया है या नहीं गया है। और यार 150 प्लस इनके एमएनसीज भी आ रखी है, जैसे इन्होंने यार दिखा रखा है 150 प्लस एमएनसीज, तो यार मे बी पॉसिबल है कि यार इतना प्लेसमेंट इनके यहाँ पे गया होगा। ओके उसके बाद इन्होंने यार दिखा रखा है प्लेसमेंट हाईलाइट इनके यहाँ पे कुछ ऐसी है, जैसे मैंने आपको बताया इसके अपर में, तो यार इनके यहाँ पे दिखा रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है हाईएस्ट पैकेज इनका 65 लाख पर एनएम का गया हुआ है। और इसके बाद आप देखोगे एमबीए का इनके यहाँ पे 100% प्लेसमेंट हुआ है, बच्चों का 100% प्लेसमेंट यहाँ पे एमबीए वाले हुए हैं। ओके उसके बाद आप एमबीए भी कर सकते हो यार, यहाँ पे यहाँ से आपको हो सकता है आपके यहाँ पे एमबीए। ओके बीटेक की बात करें यार तो 91% आपके यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है बच्चों का, 91% बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया होता है। ओके यहाँ पे आप अगर आप आते हो। ओके उसके बाद इन्होंने यार दिखा रखा है अपनी टॉप रिक्रूटर्स कंपनीज यहाँ पे दिखा रखी है, स्लीपवेल है, अमेजोन है और काफी सारी महिंद्रा है, बहुत सारी कंपनीज इनके यहाँ पे दे रखी है। मैं सारे पेजेस आपको दिखा देता हूँ, आराम से पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे आती है। ओके उसके बाद यहाँ पे अचीवर्स की बात करें यार तो ये सारे अचीवर्स बच्चे हैं जिनके अच्छे अच्छे पैकेज लग रखे हैं यहाँ पे, देखो यार 50 लाख पर एनएम इनका यूएस में पैकेज लगा है, उसके बाद इनका यार देखो तो 78 लाख का पैकेज लगा हुआ है, तो यार अच्छे खासे पैकेज यहाँ पे इन्होंने बच्चों ने उठा रखे हैं, तो आप इनको देख के भी कुछ सीख सकते हो भाई और पढ़ने वाले मन लगा लेना यार कहीं पे पैकेज है। देखो इनका यहाँ पे 10 लाख का पैकेज लगा हुआ है, 32 लाख का पैकेज लगा हुआ है, तो ऐसे बच्चे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिखा रखे हैं। ओके उसके बाद यार अब हम बात कर लेते हैं एवरेज पैकेज की, इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है बट मैंने बहुत सारे जगह से एक्सप्लोर किया सब कुछ किया, तो यार वही ऑन एन एवरेज 3.5 लाख का अराउंड अराउंड पैकेज इनका जा रहा होता है एवरेज। ओके तो यार ऑन एन एवरेज कॉलेज अच्छा है। ओके आप यहाँ पे जाना चाहो तो जा सकते हो, फीस वगैरह भी ठीक ठाक है और स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो आपको पढ़ने में यार अगर अच्छे हो तो आपको यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिल रही होगी, और अगर आप यहाँ पे थोड़े बहुत खराब भी हो यार तो थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप तो आपको मिल रही होगी ना यार। ओके उसके बाद अगर हम बात करें यार की स्कॉलरशिप्स की, तो आपको यहाँ पे यार एक CGPA मेंटेन करनी पड़ती है और यहाँ पे आपको 75% मार्क जो अटेंडेंस है सॉरी वो मेंटेन करनी पड़ती है अगर आपको यहाँ पे क्या चाहिए स्कॉलरशिप चाहिए सारे इयर्स में। ओके फर्स्ट ईयर में तो आपको मिल जाती है, उसके बाद अगर आपके यार 8 CGPA प्लस नहीं आए तो आपकी यार स्कॉलरशिप कट हो जाती है, या फिर आपके 75% अटेंडेंस नहीं है तो भी आपकी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे नहीं मिल रही होती है। ओके उसके बाद यार अगर बात करें यार लेटरल एंट्री का भी ऑप्शन है इस कॉलेज में, तो आपने लेटरल एंट्री से ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी उसे पता होगा लेटरल एंट्री क्या होता है। तो यार लेटरल एंट्री वो होता है जब आपको आपने डिप्लोमा किया हुआ पॉलिटेक्निक जिसको आप बोलते हैं वो अगर आपने किया हुआ है, फिर बीएससी की हुई है, तो आप उसके बाद अगर बीटेक ज्वाइन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक साल की छूट मिल जाती है, तो आप आराम से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो यार बीटेक कर सकते हो, 3 ईयर का डिप्लोमा आपका सॉरी बीटेक आपका बच जाता है, तो 3 ईयर में आपको बीटेक की डिग्री मिल जाती है। ओके और आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जा सकते हो यार, उसमें यार कोई डिफरेंस नहीं होता है कि लेटरल एंट्री और जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं कि उनका कोई डिफरेंस होता है या फिर पैकेज में या फिर जो भी उनकी यार कंपनीज आती है उसमें, सबका यार सेम ही होता है, एक साथ बच्चे बैठ के इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हो या लेटरल एंट्री से एडमिशन ले सकते हो। तो इस वीडियो में यार इतना ही था, और इस वीडियो के बाद में आपको यार मिल जाएगा एक कॉलेज का खतरनाक वाला टूर जिसमें एक म्यूजिक पड़ा हुआ है बहुत मस्त वाला, तो उसको सुनो यार एंजॉय करो, कॉलेज है बहुत ज्यादा अच्छा, 63 acres में बना हुआ है जो मैंने आपको नहीं बताया, तो आपको उस वीडियो में सारा कुछ दिख रहा होगा, अच्छे से एक्सप्लोर करो मजे करो, और हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। और इस वीडियो को यार बहुत ज्यादा शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारे दोस्तों से यार सब्सक्राइब करवाओ, और इस वीडियो को लाइक करे हुए बिना मत जाना, सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। हम मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय एंड टेक केयर।